आपको भी फ्रोजन शोल्डर है और काफी लंबे टाइम से आप इस पेन से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जब एक बार फ्रोजन शोल्डर हो जाता है तो ये शुरुआत में थोड़ा थोड़ा रहता है, बट जब ये बढ़ जाता है तो रात का सोना बेचैन कर देता है, इंसान की बहुत सारे काम को रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। वो हाथ उठाना चाहता है, हाथ नहीं उठता है, कुछ लिखना चाहता है, लिखा नहीं चाहता है, टीचर है तो बोर्ड पे पढ़ाना है तो पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सबसे अच्छा इलाज कौन सा है? बहुत बार लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं, कोई रिलीफ नहीं आता, स्टेरॉइड के इंजेक्शन तक ले लेते हैं तब भी कोई रिलीफ नहीं आता, रेगुलर बेसिस पे पेन किलर खाते हैं तब भी रिजल्ट नहीं आता, तो ऐसे में क्या करें? तो आंसर है, इसके दो तरीके हैं। पहला, जो आप घर पे इलाज कर सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर में सराउंडिंग की सारी मसल फ्रीज होने लगती हैं, स्टिफ होने लगती हैं, अकड़ जाती हैं, तो मसाज, गरम तेल से मालिश बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखाती है। और जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो जो मसल की स्टिफनेस होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरा, आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। बार फ्रोजन शोल्डर इसलिए ठीक नहीं होता क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी कॉमन होती है और ये पेशेंट को पता ही नहीं होती है। बहुत बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वो लेते हैं, बट जब वो मेडिसिन ले रहे होते हैं तब एक्सरसाइज नहीं करते, और जब एक्सरसाइज कर रहे होते तो मेडिसिन नहीं ले रहे होते। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो आपको सारी चीज़ें एक साथ करनी है, मतलब आपको मेडिसिन भी लेनी है, एक्सरसाइज भी करनी है और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है और थोड़ी घर पर भी एक्सरसाइज करनी है, तो आपका फ्रोजन शोल्डर बड़ी आसानी से ठीक हो सकता है। बहुत बार फ्रोजन शोल्डर इसलिए ठीक नहीं होता कि पहले सर्वाइकल होता है। अब अगर हम कई बार पेशेंट से पूछते हैं कि आपको सर्वाइकल है, तो पेशेंट मना करता है कि नहीं, मेरे को तो कोई सर्वाइकल नहीं है, मुझे तो कोई दर्द नहीं होता। बट जब हम डीपली चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं सर्वाइकल नर्व इन्वॉल्व होती है फ्रोजन शोल्डर करने में। इसीलिए कई बार पेशेंट को राइट फ्रोजन शोल्डर होता है वो ठीक हो जाता है, लेफ्ट होता है। अब ऐसा क्यों हुआ? कॉज होता है क्योंकि जो स्पाइनल नर्व होती है वो पहले से इन्वॉल्व होती है। और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, अगर पेशेंट डायबिटिक है या उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में फ्रोजन शोल्डर होना बहुत कॉमन रहता है। और जब ये हो जाता है तो ये रिजिड होता है, मतलब एक तरह से जल्दी से जाता ही नहीं है, कोई ऐसा किराएदार है कि आके फंस गया, और जाने में जैसे कोई किराएदार अगर कब्जा कर ले तो बहुत तंग करता है, इसी तरह से ये फ्रोजन शोल्डर तंग करता है, बड़ी आसानी से ठीक नहीं होता। एक्सरसाइज भी करते हैं तो एक्सरसाइज भी बहुत दर्द करती है, जिससे धीरे धीरे रेंज खुलती है। बट अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी डाइट में ध्यान रखें, अपने न्यूट्रिशन में ध्यान रखें, एक्सरसाइज में ध्यान रखें, उसके बाद भी आपका ठीक नहीं होता तो आपको एक्यूपंचर ट्राई करना चाहिए, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहिए। कई बार ये दो तीन चीज़ें जब मिलके दी जाती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं अब तक बहुत सारे ऐसे पेशेंट देख चुका हूँ जो कई जगह से फिजियोथेरेपी करा के, मतलब कई सारे ट्रीटमेंट लेके फ्रोजन शोल्डर का एक साल से परेशान होके हमारे पास आए और हमारे पास आके उनका पेन कम्प्लीटली ठीक हो गया। मैं विजय अग्रवाल, यशवर्ग पार्क शाहदरा दिल्ली में रहता हूँ। मेरा दर्द था, फिर मुझे किसी भाई ने जो है सत उपचार स्पेन क्लिनिक रामप्रस्थ में, रामप्रस्थ गाजियाबाद में है, उन्होंने वहाँ का पता बताया, तो मैं वहाँ आकर मैंने डॉक्टर साहब मुकेश शर्मा जी हैं उनको दिखाया, तो उन्होंने मुझे कई तरह से मेरे हाथ का इलाज किया, एक्यूपंचर करा, थेरेपी की और दवाइयाँ वगैरह भी दी उन्होंने, तो उसके बाद वो जो है मेरा हाथ अब धीरे धीरे ठीक होता चला गया। लगभग एक महीने मैंने उनका इलाज कराया तो मेरा हाथ बिल्कुल लगभग ठीक है। रीज़न क्या था? बस हमारे में डिफरेंस ये था कि हमने उसका ट्रीटमेंट कई थेरेपी से दिया। और उसका खाना भी चेंज किया कि आपको ऐसा हेल्दी खाना खाना है। बहुत बार लोग खाने पे ध्यान नहीं देते, या फिजियोथेरेपी भी करा रहे हैं तो एक्सरसाइज करा रहे हैं बट ये ध्यान ही नहीं दे रहे कि वो खा क्या रहे हैं। तो ऐसे में फ्रोजन शोल्डर जल्दी ठीक होता ही नहीं है क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन रहती है, और अगर डाइट में आप ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिनसे एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो बॉडी में इन्फ्लामेशन फैक्टर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तब ऐसे में ये पेन बहुत जल्दी जाता नहीं है, ना वो रेंज जल्दी से खुलती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फ्रोजन शोल्डर इसलिए ठीक नहीं होता कि कहीं कहीं आपकी ही मिस्टेक होती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।